টাটা, বাবা। मुंडी बाहर नहीं निकालने किसी की। ये देखो हमारे सामने कौन बैठे हैं। अरे कौन आ गया आज ऑफिस में? एक और भारी मशीन। वीडियो बनाओ, पिक की दिखाओ, लाजो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी गुड़िया को स्कूल छोड़ने जाना है और प्रोटीन में तैयार होके पीने वाला। ए वन चम्मच प्रोटीन, वन चम्मच अगेन, वन चम्मच मोर, वन चम्मच मोर। ये सुमन जी के लिए निकाल रहा हूँ एक गिलास। लो फूल, फूल दे दो। थैंक यू दादी पोती बाय। नहीं 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 बाबू, नहीं 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 बेटा, माँ के पास रहो, माँ के पास रहो। दीदी स्कूल जा रही है, बाय करो। बाय 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 बाय, टाटा टाटा बाय बाय। और दोस्तों मैं आशी को स्कूल छोड़ने के लिए आ गया हूँ। कैसा मौसम है? बहुत अच्छा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी अच्छी है। ओके। ये एक और होटल आता है। देखता है कि रोज रोज तू? बट कभी कभी देख पाता हूँ, क्योंकि हमेशा सर वो पर्दा नहीं टन। पर्दा लगा देते हैं? टने नहीं देते। ओके। मुंडी बाहर नहीं निकालनी किसी की, ऐसे बोलते हैं क्या? तो दोस्तों आज का व्लॉग अपलोड हो चुका है और उसमें अपलोड करने में थोड़ा समय लगा, लगभग 1.5 घंटा डिले हो गया था। जैसे कि आपने कल का व्लॉग देखा होगा, लगभग 9:30 बजे समथिंग पब्लिश कर पाया कि गुड़िया को भी, जैसे आपने देखा होगा मैं छोड़ के आया, उस चक्कर में लेट हो गया था। और अभी देखते हैं कि टीम क्या क्या कर रही है और क्या ऑफिस का लुक चल रहा है, क्या आज का उनका एक स्टेटमेंट, सबसे एक स्टेटमेंट सुनते हैं कि वो एक लाइन में आज के दिन को या इस अगस्त के महीने को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे, सिंगल लाइन। तो ये देखो हमारा आर भट्ट, आर भट्ट क्या क्या होता है आर भट्ट देखो, ये हेडफोन वायर, ये ब्लूटूथ माइक रिसीवर, ये कॉपी चल रही है धनाडन, ये हमारा कैमरा, ये हमारा देखो चार्जिंग जार, और इधर देखो कुछ चार्जिंग लगा हुआ है, और इधर देखो तार तूर, खतरनाक वाला आईटी का सीन बन रहा है। तो बाबा क्या कर रहे हो? मैं रील लगा रहा हूँ। रील किसी लगा रहे हो? रील बना रहे हो, रील लगा रहे हो? रील की रील बना रहा हूँ। रील की रील, तो ये रील अपलोड करने में लगे हुए हैं। और रंजीत भाई क्या कर रहे हैं? ओहो रंजीत क्या बना रहे हैं? दिखा दिखा दिखा, ये जेसीबी के वीडियो खतरनाक वाले बन रहे हो भैया। ये देखो जेसीबी इसने पहाड़ पे टांग दिए क्या रंजीत? तो पहले विनोद जी से शुरुआत करते हैं। विनोद जी आज का कोई मैसेज और अगस्त का कोई मैसेज? अगस्त चैन लेके आएगा और आप देखने वाले हैं, धमाल होगा। तो सभी में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि क्या होगा, धमाल होगा, बस करना ही है, धमाल होगा। ठीक है रंजीत, क्या मैसेज है आज का या अगस्त का? अगस्त का मैसेज है दबा के काम, दबा के मेहनत, दबा के काम। ओके। और ये देखो हमारे डीसी सर का कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, कर्सन कलर में आ गए ये। और ये क्या कर रहे हैं देखो, इसे बच्चों की फोटो के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वाओ, बच्चों को भी पता चल गया है कि अगस्त के अंदर कुछ नई चीज होने वाली है, बहुत ही शानदार, और आपको खुशखबरी भी मिलने वाली है अगस्त में। और ये देखो ये क्या कर रहा है इधर, ये एक हीरो है देखो, हमारे पास हीरो बन रहा है, ये बॉडी वोडी बना रहा है, बॉडी देखो इसकी। गया था कि जिम गया था कल? जी गया था, गया था। ये वेरी गुड, मैं तो नीचे पाया हुआ, कमर लचका पड़ रही है अभी। तो तू क्या कर रहा है भाई? रील का कंटेंट सर्च किया जा रहा है, ऐसे किया जाता है रील का कंटेंट सर्च। तो पूरा ऑफिस दबा के लगा हुआ है, मेरी कॉपी चल रही है, कॉपी को भी कॉपी हो रही है। और ये देखो पूरे किताबें हम बहुत पढ़ते हैं भैया, देखो मतलब ऐसे जग 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 जग। ये देखो विनोद जी ने भी अपनी किताब दिखा दी है, और अलमारी में मेरी किताबें भरी पड़ी है, और ये हमारा बिस्तर भी सज चुका है। ये देखो डीसी सर भी किताबें पढ़ते रहते हैं, वाह यार डीसी सर। और ये हमारा बिस्तर रेडी है, देख लाइट, लाइट कैमरा एक्शन। और ये देखो दोस्तों हमारा बिस्तर रेडी है, और ये वाली किताब आज हम खत्म करके उठेंगे। ये हम बैठ गए बिस्तर पे और स्टार्ट करते हैं किताब पढ़ना। ये कितनी अच्छी लिखी है, बुरे सौदे से ही अच्छे साझेदार निकल कर आते हैं, अच्छे लोग भी बुरे साझेदार बन सकते हैं। कैट एंड डॉग एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है? कुत्ता एक्सरसाइज। कैट एंड डॉग, कुत्ता एंड बिल्ली। इसमें सिर्फ आवाज नहीं निकालनी होती क्या अपनों को? साउंड इफेक्ट भी निकाला सर। कैट एंड काऊ पॉज।
तो दोस्तों बगड़िया जी भी अभी कुछ रिलैक्स करने वाले हैं, कुछ थक गए हैं काम करते करते, तो ये बोले मैं पुशअप निकालने वाला हूँ। वाह डीसी सर, वाह वाह। तो अब रिलैक्स करो 5 मिनट, ऐसे ही सीधी कर कमर, बस सो जाओ आंखें बंद करके। तो ये डीसी सर की 5 मिनट की थेरेपी कंप्लीट हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, मजा आ रहा है। वाह ये देखो टॉपिक, डीसी सर के वीडियो का टॉपिक लिखा हुआ है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो बिल गेट्स की 10 शिक्षाएं आप ए ब्रेन चार्जर के यूट्यूब चैनल पर जाके, ए फॉर एप्पल बी फॉर ब्रेन यानी आपका खोपड़ा, चार्जर यानी उसको चार्ज करना, तो वहां पे डीसी सर ने ब्रेन को चार्ज करने की बिल गेट्स की 10 शिक्षाएं बताई है, तो जरूर वो वीडियो देखें। ये देखो हमारे सामने कौन बैठे हैं, अरे कौन आ गया आज ऑफिस में, एक और भारी मशीन आ गई है, ये जर्मन मशीन आ गई, मशीने हो रही है इधर है। तो ये है हमारे भाई साहब, नमस्कार भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ आज के व्लॉग में छा जाओगे क्या मुस्कान है ना। तो ये मेरे बड़े भाई और हितेश के भी बड़े भाई है ना, इन्होंने एक बार 150 सीट-अप्स निकाले, 150 सीट-अप निकालने वाले ये इंसान हो, ये 220 केवी का मुस्कान है। हाँ 220 केवी का मुस्कान है, झटका। और सुनो, बस बढ़िया। तो देखो चार्जिंग वार्जिंग कंप्लीट हो गई है, अब करते हैं भाई साहब की खातिरदारी, बताओ क्या लाओ, मछली कोई नहीं, नहीं टिक्का विक्का लगा रहा आज लगता है मुझे, मछली उछली नहीं खा रहे हैं, ओनली ओमेगा खाते हैं, ओनली ओमेगा ही खाते हैं, नहीं नहीं ओमेगा 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 में आ जाता है मछली का गुणा जो है ना। और क्या हाल है? बस बढ़िया। हाँ सिंह कराना कैसे हो? अरे वाह वाह क्या बात है, बिना बताए सरप्राइज, और क्या क्या बात, और कोई काम सीख करूं? बस ऐसे आ गए घूमते घूमते, क्या बात, चलते हैं, रेस्ट है, छुट्टी है। अरे वाह रेस्ट में आ गए, बढ़िया बढ़िया। मैं विनोद जी मैं बोल रहा था सुबह यार कुछ आज कुछ तो हो, मतलब आज हो गया ना। और दोस्तों देखा आपने जैसे कि हमारे मेहमान भाई साहब आए हैं, तो आज खाने की थोड़ी कमी हो गई, तो खाने की पूर्ति करने के लिए हमने बाहर से मंगाए हैं ये वेजी रोल्स। तो हमारे पास क्या क्या है देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चपाती चटनी दही साथ में ये सॉस के कुछ पैकेट्स, ये चपाती, ये काचरे की और फली की सब्जी, वाह क्या मस्त लग रही है यार। अब देखो आप लाइट करता हूँ थोड़ी सी, और ये मिर्ची छाछ वाली चपाती और ये वेजी रोल, तो आज आ जाएगा मजा, तो करो स्टार्ट। और ऊपर से छाछ तो है ही हमारे पास, लेट्स डू इट, मिशन पर लागो भैया। पहली बार मैंने ये रोल इस तरह का खाया था जोधपुर में, माया के साथ था मैं, सिस्टर माया, और हमने जाके जोधपुर में खाए थे संजय जी के साथ, और जोधपुर में खाए थे। ये एक्सपीरियंस लेना था, मैं देखना था कि क्या एक्सपीरियंस रहता है, मस्त चीज़ है क्या? वाह मज़ा आ गया, यस बढ़िया। सब्जी वेजिटेबल केचप और रोटी पराठे का सब रोल एक्सपीरियंस चलेगा आज तो। बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे सभी काम में लगे हुए हैं, और डीसी सर भी फ़ोन में बिजी है, और हितेश सर कुछ वीडियोस देख रहे हैं, मोटिवेशन वीडियोस। और आप यहाँ पे देखिए, अभी ये देखिए, अभी सर मोटिवेशन बुक पढ़ते पढ़ते बीच में झपकियाँ भी ले रहे हैं, ये देखिए तुम गहरी नींद में, इन्होंने बुक पढ़ते पढ़ते बीच में ही नींद का मज़ा उठा लिया है, क्योंकि सारे दिन बिजी रहते हैं ना, रात को भी बिजी रहते हैं इस जीवन में जब किया जाती है। ओके तो दोस्तों मैं और हितेश निकल चुके हैं ऑफिस से, आज ऑफिस में बहुत बढ़िया काम कुछ किए, आज महेंद्र भाई साहब से मुलाकात की। महेंद्र भाई साहब वैसे मेरे भाई साहब हैं, मेरे मौसी के बेटे और हितेश के रियल ब्रदर, तो मेरे से भी उम्र में थोड़े बड़े हैं, इससे तो है ही, दोनों के भाई साहब हो गए। अभी जैसे मैंने वीडियो में देखा कि जब मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था तो बच्चों ने रिकॉर्डिंग मेरी भी बना दी, तो वो भी मैंने ब्लॉग में डाल दिया, आपने देख लिया होगा, तो वो मुझे पता नहीं था, इन्होंने रात में मेरे सोते सोते रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके मोबाइल में और छोड़ दिया, तो मैंने कहा यार ये किसने रिकॉर्ड किया रे, उन्होंने कहा सर हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसे रेस्ट भी की आज थोड़ी है ना, क्योंकि कई दिनों से मतलब नींद भरी पड़ी थी लगभग, कई दिनों से तो क्या मतलब पिछले 3-4 दिन से तो ये ऑफिस चल रहा था कि 12-1 बजे तक एडिटिंग में से निपटता था,
तो आज थोड़ी मतलब वो डेढ़ घंटे की नींद निकाली, किस्तों में निकाली, बीच में कोई फ़ोन आ गया, कुछ नहीं हो गया, लेकिन मज़ा आ गया, थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। अब रात को व्लॉगिंग व्लॉग को एडिट करते हुए ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, वरना कल तो ये हालत थी कि मैं व्लॉग एडिट करते करते ही मतलब सोने की तैयारी थी कि लास्ट में एकदम स्विच ऑफ हो चुका था ब्रेन। तो दोस्तों मेहनत बहुत ज़बरदस्त की जा रही है, आप वीडियो को लाइक किया करो, ये थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे, शेयर भी किया करो जहाँ मौका मिले, जो अच्छा लगे आपको तभी शेयर किया करो, लेकिन अगर लग गए तो किया करो कुछ तो किया करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ सलाह दे दिया करो, कुछ किया करो, जिससे कि हमें भी पता चलेगी क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगी, तो उसी तरह की कंटेंट को हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड कैसे करेंगे कि हम वीडियो तो बहुत सारा शूट करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें काटनी पड़ती है, सिर्फ आपके लिए 10 मिनट का कंसंट्रेटेड लेके आते हैं हम, कई बार थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उन चीज़ों को हम इंक्लूड करें, फिर उन चीज़ों को काटे नहीं हम, उन चीज़ों को डालें फिर उसमें। पहला टास्क था हमारा नारियल का पानी लेके आना, तो नारियल का पानी हम लेके आएंगे। दूसरा टास्क था हमारा अदरक लेके आना, तो अदरक लेके आ गए। तीसरा टास्क था हमारा बनाना यानी केले लेके आना। तो इतेश तीनों टास्क कंप्लीट, बिल्कुल चले अब चलो। ओके लेट्स गो। निकलो बाबू निकलो, ये वेरी गुड, निकलो ये वेरी गुड। देखो क्या है ये, देखो दीदी पी गई, दीदी पी गई पूरा। वाह वीडियो बनाओ पी के दिखाओ, ला जाओ। और बाबू भी पी रहा है, बाबू को भी अच्छा लगा। अच्छा है क्या? गिरा रहा है तू तो? अच्छा है क्या? हाँ अच्छा है। तो दोस्तों फाइनली घर आने के बाद में मैंने कुछ समय एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज करने के बाद में खाना वाना खाया, और पसीना होने की वजह से अभी मैं जस्ट नहाया धोया हूँ। थोड़ा नहाने के बाद थोड़ा अच्छा फील होता है, अभी भी मैं वीडियो एडिट करने पर लगूंगा। आज महेंद्र भाई साहब आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि बस ऐसे ही शिकार आना था, साथ में उन्हें देखना था कि बातचीत करनी थी थोड़ा कि डिजिटल का क्या भविष्य होने वाला है। तो इतने समय साथ काम कर रहा है तो उसी बारे में बातचीत करने के लिए, क्या वाकई में डिजिटल का भविष्य है, क्या सोशल मीडिया का भविष्य है, क्या यूट्यूब का भविष्य है, क्या वीडियो मार्केटिंग, क्या आप कर रहे हो, तो सब चीज़ें उन्होंने पूछी। तो हमने उनको बताई, उनको संतुष्ट किया कि नहीं इसका भविष्य है, इसमें सब कुछ बढ़िया होने वाला है। और आपके लिए भी मैं हिंट बताता हूँ, भारत की जनसंख्या 140-41 करोड़ हो चुकी है, उसका 60% यानी लगभग 80 करोड़ लोग अभी इंटरनेट पे हैं, और उसमें से 40 करोड़ यानी 40 करोड़ लोग ही अभी सोशल मीडिया या इन चीज़ों पे हैं। आने वाले 2 सालों में जो 40 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और 80 करोड़ जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखो कि 40 करोड़ लोग अभी भी इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं लेकिन सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये 40 करोड़ लोग और बढ़ने वाले हैं इन 2 साल में। इतने सालों में ये 40 करोड़ हुए और इन 2 सालों में ये डबल होने वाले हैं। तो आप भविष्य सोचो डिजिटल का क्या होने वाला है। तो आपके लिए भी सलाह है, डिजिटल पर फोकस करो, डिजिटल कंटेंट बनाओ, डिजिटल कुछ में कुछ करने की कोशिश करो, अपने काम धंधे को डिजिटल करने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं डिजिटल को आपको देखना पड़ेगा कि डिजिटल आपके काम धंधे में आपके बिजनेस में कैसे इंक्लूड हो सकता है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ओके बाय।